सो ही गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप परेशान हैं कि भाई मेरे आईडी पर कितनी सिम कार्ड एक्टिवेट है और कितनी सिम कार्ड चल रही है मेरे आईडी पर और आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी आईडी पर कितनी सिम कार्ड चल रही है, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी अपने फोन से। बिकॉज आज के टाइम पर ऐसा होता है कि आप सिम को एक्टिवेट कराने जाते हैं किसी भी रिटेलर के पास, अब रिटेलर वो कभी कभी फ्रॉड निकल जाता है और आपकी आईडी पर 2 से 3 सिम कार्ड एक्टिवेट कर लेता है, फेक सिम कार्ड एक्टिवेट कर लेता है और किसी भी बंदे को जिनको नॉन आईडी की सिम चाहिए होगी उनको दे देता है, कुछ पैसे उनसे ज्यादा ले लेता है। तो इस टाइप का सीन चल रहा है आज के टाइम पर। तो आज के टाइम पर आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपकी आईडी पर कितनी सिम कार्ड एक्टिवेट चल रही है, उनको आप आसानी से ब्लॉक भी करा सकते हैं, अगर वो आपकी सिम नहीं है तो आसानी से आप ब्लॉक भी करा सकते हैं। फुल डिटेल से आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मेरी मोबाइल की स्क्रीन मेरे वीडियो के सेट पर देखने को मिल रही है, इस पर मैं आपको डिटेल टू डिटेल बता रहा हूं कि आपकी आईडी पर कितनी सिम कार्ड एक्टिवेट है और कितनी सिम कार्ड चल रही है, अगर आपकी वो सिम नहीं है तो आप कैसे ब्लॉक करा सकते हैं। तो सिंपल से मेरे मोबाइल की स्क्रीन मेरे वीडियो के सेट पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है एंड गाइस, जैसे ही अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, इधर पर आपको सर्च करना है संचार साथी। इधर पर संचार साथी टाइप कर आपको सिंपल से सर्च कर देना है एंड गाइस, जैसे ही सर्च कर लेते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर की ऑफिशियली वेबसाइट देखने को मिल जाती है, कोई फेक वेबसाइट देखने को नहीं मिलती, ऑफिशियली सरकारी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड गाइस, जैसे ही क्लिक कर दें तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इधर पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करना है, इधर पर ये आपको पॉपअप्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको इधर पर देखने को मिल जाता है नो योर मोबाइल कनेक्शंस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इस सर्विसेज के ऑप्शन पर, इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, इधर पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अपने फोन नंबर को एंटर करना है, अपने कोई भी फोन नंबर को एंटर कर सकते हैं जो कि आपके आईडी पर है। इधर पर कैप्चर कोड देखने को मिल जाता है, इस कैप्चर कोड को इधर पर एंटर कर आपको इधर पर वैलिडेट कैप्चर के ऑप्शन पर देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है एंड ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इधर पर फोन नंबर डाल देते हैं, कैप्चर कोड को एंटर कर लेते हैं एंड ओटीपी डालने के बाद आगे का इंटरफेस आपके सामने रखते हैं। हमने कैप्चर कोड एंड फोन नंबर को डाल लिया है एंड इधर पर वैलिडेट कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं एंड सक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड ओके पर आपको क्लिक कर देना है एंड ओटीपी हमारे पास आ जाएगा, ओटीपी को भी एंटर कर देते हैं एंड लॉगिन पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। अब गाइस, जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कर दें कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, आपके जितने भी फोन नंबर हैं उनके लास्ट डिजिट और फर्स्ट 2 डिजिट आपके सामने आ जाते हैं, इससे आप जज कर सकते हैं कि कौन सा मेरा फोन नंबर है और कौन सा फेक फोन नंबर मेरे ही आईडी पर चल रहा है। अब जैसे कि मेरे आईडी पर 5 फोन नंबर्स चल रहे हैं और ये सभी मेरे ही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा 00 वाला भी मेरा ही है, 2851 वाला भी मेरा ही है, 4x0 वाला भी मेरा ही है और साथ में इधर पर 4x0 वाला भी मेरा ही है और 1734 वाला भी मेरा ही है, ये सभी मेरे ही नंबर्स चल रहे हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि कोई नंबर मेरा नहीं है, जैसे कि लाइक फर्स्ट नंबर मेरा नहीं है मैं सोचता हूं एंड इस पर आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद आपका ये आईडी से जो फोन नंबर फेक चल रहा होगा ये क्लोज कर दिया जाएगा और सिंपल से ये बंद कर दिया जाएगा आपके आईडी पर। तो इधर से आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं और इधर पर आप सिलेक्ट करके नॉट माय नंबर पर सिलेक्ट करके इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर नॉट रिक्वायर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब आप सोचते हैं कि मेरे ही नंबर है बट इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इधर पर नॉट रिक्वायर्ड कर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इससे आपका नंबर बंद हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से इस वेबसाइट के थ्रू अपने मोबाइल नंबर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी पर कितने फोन नंबर्स चल रहे हैं और कितने फोन नंबर्स नहीं चल रहे हैं। जो आपके फोन नंबर्स नहीं है उनको आप रिपोर्ट कर बंद भी करा सकते हैं, काफी इजी सा प्रोसेस देखने को मिल जाता है। आज के टाइम पर आपको पता ही होगा काफी ज्यादा फ्रॉड्स चल रहे हैं, ये जरूर आपको चेक करना चाहिए और चेक करने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन कौन से फोन नंबर आपके आईडी पर एक्टिवेट है। सो गाइस, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स वॉचिंग गाइस।